हाईकोर्ट द्वारा अतिक्रमण हटाने के निर्देश पर जन हस्तक्षेप ने विरोध जताया और सीधा सीधा इसका जिम्मेदार सरकार को बताया है। उनका कहना है कि बिना प्रभावित पक्ष को सुने ही हाईकोर्ट ने 20 जून को देहरादून में अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। तब से देहरादून में रहने वाले गरीब लोग आतंक के साए में जीने को मजबूर हैं। खासतौर पर रिस्पना नदी के किनारे जो लोग वर्षों से निवास कर रहे हैं उनको अतिक्रमणकारी कहकर भी क्या बीजेपी सरकार हटाने वाली है। उनका मानना है कि सरकार हाईकोर्ट के आदेश को बहाना बनाकर लोगों को बेदखल करना चाहती है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये स्थिति सरकार की उपेक्षा और लापरवाही की वजह से ही पैदा हुई है। 2016 में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को पट्टा देकर अधिनियम बनाया गया था। बीजेपी सरकार ने इस कानून को अमल में ही नहीं लाया। इसके अतिरिक्त मई 2018 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में भी एक घर नहीं बना। जन हस्तक्षेप का कहना है कि वो चाहते हैं कि सरकार अध्यादेश पारित करे कि किसी की भी बेदखली अभियान की वजह से नहीं की जाएगी और इस अभियान की वजह से कोई भी परिवार बेघर नहीं हो पाएगा। साथ ही 2016 का अधिनियम और प्रधानमंत्री आवास योजना को भी सख्ती से लागू किया जाए। इस प्रेस वार्ता में किशोर उपाध्याय भी शामिल हुए। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार के पास समय है, अभी सरकार को तुरंत जो अगला मंच है न्याय का उसके पास जाना चाहिए, उसमें समय लेना चाहिए, उन लोगों के लिए पहले व्यवस्था करनी चाहिए और उसके बाद उन लोगों को वहां से हटाना चाहिए। संवाद 365 के लिए देहरादून से कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ किशोर रावत की रिपोर्ट।